इस क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग का अपडेट, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आया है कि जो पूरक रिजल्ट आने वाला था उस पर रोक लगा दी गई है। तो खबर जानते हैं विस्तार से, शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल एक माह पहले प्रकाशित हुआ है। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग की थी।